Good morning everyone, this is Anil K. Sharma. Welcome to Oracle Tech India. आज Unix में हम vol, df, du और cpio जैसे कुछ commands को देखेंगे. तो जिन लोगों ने channel को subscribe नहीं किया है, please channel को subscribe कर ले और bell icon पे press कर ले. तो चलिए बिना देरी किए video को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले कि वॉल कमांड का यूनिक्स में क्या यूज है. वॉल कमांड, तो इस स्लाइड में हमारे पास यूनिक्स का जो फर्स्ट कमांड है वो है वॉल कमांड. तो वॉल कमांड क्या करता है, इट इज यूज्ड टू सेंड द मैसेज टू ऑल करेंटली लॉग्ड इन यूजर्स. तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी यूजर्स करंटली लॉग्ड इन है उनको अगर कोई मैसेज भेजना है तो उसके लिए वॉल कमांड को यूज करते हैं. तो फॉर एग्जांपल यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर के वॉल कमांड को टाइप करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करनी है. तो एंटर प्रेस करने के बाद जो है मैसेज टाइप करने का ऑप्शन आएगा, तो वहां पे मैसेज टाइप करना है. तो यहाँ पे मैसेज टाइप किया हुआ है, द मशीन विल बी शट डाउन टूडे एट 14:30 आवर्स. तो मशीन को शट डाउन कर दिया जाएगा 14:30 पे, 2:30 पे. द बैकअप विल बी एट 12:30 आवर्स, और बैकअप जो है 12:30 बजे ली जाएगी. तो ये मैंने मैसेज को टाइप कर दिया. उसके बाद मुझे मैसेज से बाहर आना है, मतलब वॉल कमांड से बाहर आना है. तो कंट्रोल को दबा करके डी ऑप्शन को प्रेस करना है, तो मैं वॉल कमांड से बाहर आ जाऊंगा. और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी यूजर्स लॉग्ड इन है उन सब के पास जो है ये मैसेज पहुंच जाएगा. तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है df कमांड. तो df का मतलब है डिस्क फ्री कमांड. तो ये कमांड क्या करता है, दिस कमांड रिपोर्ट्स द अमाउंट ऑफ फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर ईच फाइल सिस्टम सेपरेटली इन यूनिक्स. तो यूनिक्स में बहुत सारे फाइल्स होते हैं, तो df कमांड क्या करेगा, हर फाइल के लिए ये शो करेगा कि कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है. तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में मैंने यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके df कमांड को टाइप करके मैंने एंटर को प्रेस कर दिया. तो यहाँ आउटपुट में यहाँ पे यूनिक्स में जितने भी फाइल है उन सारे फाइल्स को यहाँ पे शो कर रहा है. तो यहाँ पे मैंने दो ही फाइल का नाम मैंने यहाँ पे टाइप किया है, अदरवाइज बहुत सारे फाइल है. तो सारे फाइल्स को यहाँ पे शो कर देगा और उसके बाद ये इंडिकेट करेगा कि कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है. तो यहाँ पे अवेलेबल में आप जो है देख सकते हो कि कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है. नेक्स्ट जो है वो है du कमांड. तो du कमांड का मतलब है डिस्क यूजेस कमांड. तो du कमांड क्या करता है, इट डिस्प्लेस डिस्क स्पेस यूजेस फॉर द फाइल सिस्टम इन यूनिक्स. तो यूनिक्स में फाइल सिस्टम ने यानी फाइल्स ने अलग अलग फाइल ने कितना डिस्क स्पेस यूज किया है, कितना डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये कमांड उसके बारे में बताता है. तो फॉर एग्जांपल हम du कमांड के साथ बहुत सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके सिंपली du कमांड को टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले द डिस्क स्पेस यूजेस फॉर द फाइल सिस्टम इन लाइनेक्स. तो लाइनेक्स में जितनी भी फाइल सिस्टम होगी, जितने भी फाइल्स होंगे उन फाइल्स के लिए डिस्क स्पेस कितना यूज हुआ है, वो सारे फाइल्स के लिए अलग अलग डिस्क स्पेस यूजेस को इंडिकेट करेगा, शो करेगा. उसके बाद du कमांड के साथ मैंने हाइफन एच का ऑप्शन यहाँ पे टाइप करके एंटर को प्रेस किया है मैंने. तो ये कमांड क्या करेगा, डिस्प्ले द डिस्क स्पेस यूजेस फॉर द फाइल सिस्टम इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट. तो ये क्या करेगा,
फाइल सिस्टम को शो करेगा, सारे फाइल्स को शो करेगा और डिस्क स्पेस यूजेस को इंडिकेट करेगा, बट रीडेबल फॉर्मेट में ये इंडिकेट करेगा, मतलब रीडेबल फॉर्मेट में ये डिस्प्ले करेगा। रीडेबल फॉर्मेट का मतलब कि जो भी आउटपुट आएगा उसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि भाई इस फाइल ने कितना स्पेस, कितना डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में जो है इस तरीके से शो करेगा। तो वो हाइफन एच ऑप्शन जब ड्यू कमांड के साथ लगाएंगे तभी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हमें वो फाइल जो है डिस्क स्पेस जो यूज की गई है वो शो करता है। नेक्स्ट जो है ड्यू कमांड के साथ मैंने हाइफन के ऑप्शन को यूज करके एंटर को प्रेस किया मैंने, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले द डिस्क स्पेस यूजेस फॉर द फाइल सिस्टम इन किलोबाइट्स। तो मैं चाहता हूँ कि फाइल सिस्टम जो डिस्क स्पेस को यूज कर रहा है तो किलोबाइट्स में शो करे, तो मैंने हाइफन के ऑप्शन लगाया है। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ किलोबाइट में शो ना करके मेगाबाइट में शो करे, तो हाइफन एम। और मैं चाहता हूँ गीगाबाइट में जो है डिस्क स्पेस कितना यूज हुआ है तो गीगाबाइट में शो करे, तो हाइफन जी ऑप्शन को मैं यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करूंगा। तो मैंने हाइफन एम ऑप्शन को स्पेसिफाई करके एंटर को प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले द डिस्क स्पेस यूजेस फॉर द फाइल सिस्टम इन मेगाबाइट्स। तो ये मेगाबाइट्स में शो करेगा कि उस फाइल ने कितना डिस्क स्पेस को यूज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ड्यू कमांड के साथ मैंने हाइफन सी ऑप्शन को यूज किया है और उसके बाद मैंने एक डायरेक्टरी का यहाँ पे पाथ दे दिया मैंने, तो स्लैश होम डायरेक्टरी में इसका जो पाथ है स्लैश सेल्स स्लैश TML और उसके बाद मैंने एंटर को प्रेस किया है। तो ये क्या करेगा, दिस विल शो द ग्रांड टोटल फॉर डायरेक्टरी पाथ। तो इस पाथ पर आने वाली जितनी भी फाइल्स है उन फाइल्स में हर एक फाइल के डिस्क स्पेस जो ऑक्यूपाई किया, हर एक फाइल्स के डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई को सबको कैलकुलेट करके एक ग्रांड टोटल करके हमें शो कर देगा। तो यहाँ पे आउटपुट में समझते हैं, मैंने हाइफन सी के साथ एक पाथ दिया है स्लैश होम स्लैश सेल स्लैश TML, तो इसने क्या किया, स्लैश होम स्लैश सेल स्लैश TML में PKG नाम का जो फाइल है उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया था, कितना डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो 14,420 इतना स्पेस, इतना डिस्क स्पेस जो है इस वाले फाइल ने ऑक्यूपाई किया है। उसके बाद इसी पाथ पे जो बिन नाम का जो फाइल है तो इसने कितना डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई किया है तो वो यहाँ पे शो कर रहा है 23,088। उसके बाद इसी पाथ पे जो है TML में अगर कोई फाइल है तो कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है तो यहाँ पे स्पेस को इसने शो कर दिया। और उसके बाद इन तीनों स्पेस को, तीनों डिस्क स्पेस जो फाइल्स के लिए यूज हो रही है, इन तीनों डिस्क स्पेस को ऐड करके ग्रांड टोटल करके यहाँ पे शो कर दिया है। तो यहाँ पे 1,70,436 जो है टोटल डिस्क स्पेस जो है यूज हुई है। तो उसके बाद डीयू कमांड के साथ मैंने हाइफन एस ऑप्शन को स्पेसिफाई किया और उसके बाद मैंने एक डायरेक्टरी का पाथ दे दिया यहाँ पे और एंटर कर दिया मैंने। तो इसका क्या यूज है, टू व्यू द फाइल साइज ऑफ डायरेक्टरी सेपरेटली। तो हम किसी भी डायरेक्टरी के फाइल साइज को देखना चाहते हैं तो हाइफन एस के साथ उस डायरेक्टरी का पूरा पाथ दे देंगे, तो ये आउटपुट में जो है शो करेगा कि वो डायरेक्टरी
जो है कितना डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि एक होम डायरेक्टरी के अंदर जॉर्ज नाम के डायरेक्टरी में या फाइल में जो है कितना इसने डिस्क स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो सेपरेटली मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो सेपरेटली चेक करने के लिए मैंने हाइफन एस का ऑप्शन यहाँ पे टाइप किया है। तो ये हाइफन एस ऑप्शन क्या करेगा, केबल केबल स्लैश होम स्लैश जॉर्ज वाले डायरेक्टरी को ही चेक करके बताएगा कि इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है। इस वीडियो लेक्चर का नेक्स्ट और लास्ट कमांड जो है वो है CPIO। तो CPIO का मतलब कॉपी इनपुट आउटपुट, और CPIO कमांड जो है स्टैंड्स फॉर कॉपी इन और कॉपी आउट। तो CPIO कमांड का मतलब है कॉपी इन और कॉपी आउट। तो CPIO कमांड जो है परफॉर्म्स द फॉलोइंग थ्री ऑपरेशंस, ये नीचे के तीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। पहला जो ऑपरेशन है वो है कॉपिंग फाइल्स टू एन अर्काइव। तो एक फाइल या एक से ज़्यादा फाइल्स को अर्काइव फाइल में ले जा कर के कॉपी करता है, मतलब उसकी अर्काइविंग कर देता है, मतलब एक से ज़्यादा फाइल्स की जो है अर्काइव फाइल को ये क्रिएट करता है। तो अर्काइव फाइल का मतलब है कि एक एडिशनल फाइल जिसमें मोर देन वन फाइल्स को कॉपी करके रख दिया गया है, और इन फ्यूचर कभी भी उस फाइल्स की ज़रूरत पड़े और कहीं बैकअप में कोई फाइल ना मिले तो अर्काइव फाइल से उस फाइल को जो है रिस्टोर कर सकते हैं। तो CPIO का जो फर्स्ट ऑपरेशन जो ये परफॉर्म करता है वो करता है कॉपी फाइल्स टू एन अर्काइव। दूसरा ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स फ्रॉम एन अर्काइव। तो जो अर्काइव फाइल CPIO कमांड से क्रिएट की गई है, उस अर्काइव फाइल से किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए भी CPIO कमांड को ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और थर्ड ऑपरेशन जो CPIO कमांड परफॉर्म करता है वो है कॉपीज फाइल फ्रॉम वन डायरेक्टरी टू अनदर। एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में अगर एक फाइल या एक से ज़्यादा फाइल्स की कॉपी करनी है तो उसके लिए भी CPIO कमांड को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि CPIO कमांड को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जाएंगे और वहाँ पे जो है ls कमांड को टाइप करेंगे, पाइपलाइन को टाइप करेंगे CPIO-OV और रिडायरेक्ट ऑपरेटर और एक अर्काइव फाइल का नाम। तो मैंने यहाँ पे अर्काइव फाइल का नाम दिया है डायरेक्ट्री डॉट CPIO और एंटर को मैंने प्रेस कर दिया। तो अब ये कमांड क्या करेगा एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले ls पाइपलाइन CPIO इन तीन कमांड से एक साथ क्या होगा कि ls कमांड तो लिस्ट ऑफ फाइल्स को शो करेगा, पाइपलाइन क्या करेगा उस लिस्ट ऑफ फाइल्स को एज एन इनपुट ले करके CPIO को दे देगा। तो ls पाइपलाइन CPIO कमांड से क्या होगा कि CPIO कमांड को पूरी फाइल की लिस्ट पाइपलाइन के थ्रू मिल रही है। उसके बाद ओ ऑप्शन क्या करेगा, ओ ऑप्शन क्रिएट्स द अर्काइव। तो ओ ऑप्शन क्या करेगा, अर्काइव फाइल को क्रिएट करेगा। डायरेक्टरी डॉट CPIO ये अर्काइव फाइल है तो इसकी अर्काइविंग करेगा। तो अर्काइविंग कराने का काम मतलब सारी फाइलों को उठा करके डायरेक्टरी डॉट CPIO में पेस्ट करेगा, इसको अर्काइव करना बोलते हैं। तो ये काम कौन करेगा, हाइफन ओ ऑप्शन करेगा। एंड हाइफन वी ऑप्शन प्रिंट्स द नेम्स ऑफ द फाइल्स अर्काइव्ड एज दे आर एडेड। और हाइफन वी ऑप्शन क्या करेगा कि लिस्ट ऑफ फाइल्स
जिसकी अर्काइविंग हो रही है, तो उन फाइल्स के कौन कौन से नाम है, नाम के साथ जो है अर्काइविंग करेगा, मतलब नाम को भी ऐड करेगा। और रीडायरेक्ट ऑपरेटर क्या करेगा, रीडायरेक्ट्स द CPIO आउटपुट टू फाइल डायरेक्टरी डॉट CPIO। और रीडायरेक्ट ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे जो है ls पाइपलाइन CPIO से जो भी रिजल्ट आया है उन रिजल्ट को उठा करके डायरेक्टरी डॉट CPIO में रिडायरेक्ट कर देगा, डाल देगा। तो ये था CPIO कमांड, जिसमें हमने देखा कि CPIO कमांड से एक अर्काइव फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो CPIO कमांड का यूज़ है वो ये है कि CPIO कमांड को टाइप करके -iv, उसके बाद जो है ये जो है रिडायरेक्ट ऑपरेटर, और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम इस तरीके से टाइप करके एंटर को प्रेस करेंगे, तो इसमें क्या होगा, दिस विल रिट्रीव द फाइल्स अर्काइव्ड इन द फाइल डायरेक्टरी। तो ये कमांड क्या करेगा, फाइल डायरेक्टरी डायरेक्टरी डॉट CPIO जो है वो अर्काइव फाइल है, तो उस अर्काइव फाइल से सारे फाइल्स को रिट्रीव करेगा ये कमांड, और रिट्रीव करके उन सारे फाइल्स को प्लेस कर देगा, रख देगा कहाँ पे, प्रेजेंट डायरेक्टरी में, प्रेजेंट होम डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे -i ऑप्शन क्या करता है, अर्काइव फाइल में से फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, और -v क्या करता है, शो करता है फाइल नेम को जब भी उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये था CPIO कमांड का पूरा यूज़। तो यूनिक्स कमांड्स का मेरा ये 19th वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।